आपका स्वागत है, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। बात करूंगा लैला मजनू की। उनकी प्रेम कहानी कोई आम जीवन की प्रेम कहानी नहीं है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गहरी प्रेम कहानी है। वो बात कुछ ऐसी है कि मजनू लैला के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है, बस उसे लैला ही दिखती है। लैला इतनी सुंदर नहीं है, उसकी जो त्वचा है वो भी बहुत निखरी नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत गोरी नहीं है, जैसा कि हम कहते हैं आज की हमारी जो परिभाषा है सुंदरता की, समाज के अनुसार वो गोरी नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी। मजनू को सभी लोगों ने बोला कि तू कहां फंस गया। बहुत करुणा उसे देख के लोग करते थे कि बेचारा। और जो लैला के मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, वो भी इसके खिलाफ थे। लैला के बारे में उस एरिया के राजा ने भी सुना। मजनू जब जब उस किले के बगल से जाता तो वो लैला लैला कहता हुआ जाता। राजा को भी लगा कि कोई लैला बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन उसने दूसरे दिन मजनू को बुलाया और मजनू से बोला कि तुम्हारे कारण मुझे भी लैला में बहुत इंटरेस्ट हुआ और मैंने लैला को बुलाया और देखा, लेकिन लैला में कोई सुंदरता नहीं है, लैला इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, तुम उसे इतना क्यों चाहते हो? तुम कहो तो मैं अपने महल की 12 सबसे सुंदर स्त्रियों को तुम्हारे सामने लाता हूं और तुम जिनको चाहो चुन लो, ताकि तुम्हारा जीवन बेहतरीन तरीके से गुजरे। मजनू ने सबको देखा और उसने मना कर दिया, उसने सिर हिला दिया। तो उसने बोला कि तुम्हें लैला में ऐसा क्या दिखता है, उसमें इतनी सुंदरता भी नहीं, राजा ने बोला। मजनू ने जवाब दिया, वो सुनने लायक था। मजनू ने बोला, लैला की सुंदरता देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। सवाल लैला की सुंदरता का नहीं है, सवाल यह है कि उसे देख कौन रहा है। अगर आप मजनू की आंखों से देखेंगे तो लैला सुंदर ही दिखेगी। यही बात होती है प्रेम में। कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है, उसके कारण उससे प्यार नहीं किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति का जाति, उसका धर्म, उसका मजहब, उसकी त्वचा का रंग देख के उससे प्यार नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम को सीमाओं में मत बांधो। पर्सन लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज यू लव देम। लव कम्स फर्स्ट। यस, लव कम्स फर्स्ट, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्यूटिफुल या फिर जो भी और चीजें हैं वो बाद में आती हैं। दूसरी कहानी लैला से जुड़ी हुई, आप थोड़ा सा गहराई से समझें, तब आप जैसे आज बोल देते हैं ना कि मजनू बना है, मजनू बनना इतना आसान नहीं है। मजनू का गली गली चिल्लाना लैला लैला। लैला बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। मजनू की आवाज उसके परिवार वालों को भारी पड़ने लगी, तो लैला के माता पिता ने गांव ही छोड़ दिया। बहुत संपत्ति लेकर ऊंटों के काफिले से वो गांव से बाहर जा रहे थे। ये सुन के मजनू गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और वो लैला लैला की धुन लगा लिया। काफिला वहां से गुजरा, लैला ने सुना, मगर लैला कुछ कर न सकी। धीरे धीरे काफिला दूर होता गया। मजनू वहीं खड़ा रहा, पेड़ में टिका रहा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, महीने बीतते गए, बरसात आई, धूप हुई, लेकिन मजनू वहीं खड़ा रहा। वहां से आवाज आती गई, लैला लैला। 12 वर्ष बीत गए, लैला वापस लौटी। उसने गांव में पता लगाया कि मजनू कहां है। गांव वालों ने बोला कि मजनू नहीं है, मजनू की केवल आवाज आती है, और वो आवाज अगर तुम्हें सुनना हो तो तुम रात के चले जाना उस पेड़ के नीचे, तुम्हें आवाज सुनाई देगी। लैला को इतना इंतजार नहीं कर सकती थी, वो दिन में ही गई।
और लोग तो शायद उसकी आवाज न सुन सकते हो, लेकिन लैला को मजनू की आवाज सुनाई दी। लैला लैला, वही आवाज 12 साल बाद सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि मजनू वही था, लेकिन 12 सालों में वो वृक्ष से जुड़ गया था। उसके हाथ वृक्ष के शाखा बन गए थे, उसका शरीर में पत्ते और फूल निकल आए थे। अब मजनू वृक्ष का हिस्सा था। लैला लैला की धुन आ रही थी। ये बहुत ही प्रीतिकर भक्त कथा है। समझने वाले ये कहेंगे कि इसमें लैला ईश्वर की प्रतीक है और मजनू भक्त का प्रतीक है। बात बहुत गहरी है। पहली बात यह थी कि सुंदरता बाद में आती है, पहले प्रेम आता है और प्रेम व्यक्ति को सुंदर कर देता है। आंखें कौन सी हैं देखने वाली, ये बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरी बात कि दूरी माने नहीं रखती। प्रेम की सच्चाई तभी पता चलती है जब दूरी होती है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि मजनू बनना इतना आसान नहीं है। बस प्रेम की गहराई तक जाओ और अगर कोई आपसे दूर भी चला जाए कोई गम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।